वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वह ज्योग्राफी की क्लास से संबंधित, जो फिज़िकल ज्योग्राफी की क्लासें डेल्टा एकेडमी की ओर से चलाई जा रही हैं उसी से संबंधित आज का टॉपिक भी है। दोस्तों, जो फिज़िकल ज्योग्राफी में डेल्टा एकेडमी की तरफ से अभी तक क्लास चलाई गई हैं उसमें जो टॉपिक लिया गया है वह जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित क्लास हैं और वन बाय वन करके आप लोगों के पास एक क्लास पहुंच रही हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो जियोमॉर्फोलॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान से संबंधित ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित है। तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी आखिर क्या है और किसे हम वल्कनो के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी जो है प्राय एक प्रकार का एक गोला होता है जो पृथ्वी के भीतर बना होता है और उस छिद्र के द्वारा, जो गोल छिद्र है, उस गोले से या उस छिद्र से जो पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली गर्म गैसें हैं, लावा है या पानी है या फिर कभी कभी चट्टान के टुकड़े और जो राख है वो सब बाहर निकलती है। तो इस प्रकार का एक छिद्र, गोल छिद्र या फिर शंकु के आकार का छिद्र जिसमें से ये सब चीज़ें निकलती हैं बाहर, वो ज्वालामुखी कहलाता है। और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत हम पृथ्वी के भीतर गैस और लावा की उत्पत्ति से लेकर उससे संबंधित जो पृथ्वी के भीतर या भार वह किस रूप में प्रकट होता है, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से कई और भी विद्वान इसे अलग अलग रूप में बताते हैं कि ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्भ पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की जो सभी क्रियाएं हैं वो सम्मिलित किए जाती हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो आज का टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से इससे संबंधित मैपिंग व इनके जो वितरण हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ जो मैप से संबंधित लोकेशन है ज्वालामुखी की, कि वो कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनसे मैचिंग आ जाती है और आप लोग इसे देखेंगे अपने आप से। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपको इस प्रकार की जो कक्षाएं हमारी चलाई जा रही हैं उनके माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आज का जो टॉपिक है वो ज्वालामुखी और उनके प्रकारों से संबंधित है और जो ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियां हैं हम उस पर किसी दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कौन कौन से जो ज्वालामुखी हैं जिनके अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों या देशों से संबंधित हैं वो किस रूप में हैं, तो उस पर हम किसी दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। चलते हैं आगे। तो दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होते हैं इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के तीन चार मोटा मोटी एक कारण हैं। अगर हम ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी से दहकता हुआ गर्म एक लावा बाहर निकलता है और उसमें जो बेसाल्ट है उसकी मात्रा अधिक पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें जल वाष्प पाई जाती हैं। और ये जो इस प्रकार के पदार्थ हैं ज्वालामुखी में, वो ये बताने के लिए हमें एक हिंट्स देते हैं या आधार तैयार करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या हैं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बनी है और उनके संचलन से, मूवमेंट से अलग अलग जगह पर फॉल्ट या फिर जो फोल्ड्स हैं वो पड़ते हैं। तो जो फॉल्ट पड़ते हैं वो डाइवर्जेंस ऑफ द टू जो प्लेट टेक्टोनिक हैं उनके कारण होता है, और जब हम फोल्ड की बात करते हैं तो कन्वर्जेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके कारण फोल्ड्स पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो ज्वालामुखी हैं विश्व भर में वो कुछ ऐसी ही जगहों पर मिलते हैं और इसी जगहों पर जो है भूकंप की क्रियाएं भी अधिक आती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार के जो कारण हैं उसमें अभी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, वन बाई वन कर हम लोग देखते हैं। पहला जो कारण दिया है, कमज़ोर क्रस्ट तथा जल की उपलब्धता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमज़ोर क्रस्ट की बात करेंगे। पृथ्वी के अंदर जो है लावा
पाया जाता है, और पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसकी विभिन्न परतों के बीच जो प्रेशर है मेंटल का, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। कई बार जब क्रस्ट कमज़ोर हो जाती हैं तो वो प्रेशर जो है बाहर की ओर आता है, और उसके कारण जो है ये जो क्रस्ट है इसमें एक छिद्र हो जाता है, और उसके माध्यम से लावा या जो ज्वालामुखी से निस्सृत होने वाले पदार्थ हैं वो बाहर आते हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक कारण कमज़ोर क्रस्ट है, और दूसरा साथ ही जो है जल की उपलब्धता भी है। आप लोग देखते होंगे पानी जो पृथ्वी के सरफेस पर पाया जाता है वह धीरे धीरे रिसकर नीचे चला जाता है। अगर वह मेंटल तक पहुँच जाए जो ऊपरी मेंटल है, तो वहाँ पर यह बहुत अधिक गर्म होने के कारण एक तरीके से गैस की तरह काम करता है, और फिर अधिक दबाव जो है प्लेटों के बीच वो उत्पन्न करता है। इसी के कारण जो है जो क्रस्ट है उसमें छिद्र होने की संभावना बन जाती है। इस प्रकार की जो जगह है वह जो महासागरीय जो मग्न तट हैं, जो सागरों में जो क्रस्ट का भाग डूबा हुआ है, ऐसी जगहों पर ये देखने को अधिक मिलता है, क्योंकि सागरों में जल की उपलब्धता है। दूसरा जो कारण है वह पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में निर्मित बेसाल्ट का पाया जाना है। हम बेसाल्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अधिकतर लावा में जो निकलने वाला मैग्मा होता है उसमें बेसाल्ट होता है, और बेसाल्ट की जो उत्पत्ति है वो ऊपरी मेंटल में अधिक है, इसलिए पृथ्वी के भीतर तरल अवस्था में निर्मित एक बेसाल्ट के पाए जाने की बात की गई है। दूसरा, इसमें मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं वो भी इसका एक कारण है। और चौथा जो है पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ताप का पाया जाना, क्योंकि अगर ताप नहीं होगा तो अंदर की जो लेयर्स हैं, जो अंदर पाए जाने वाली रॉक्स हैं या जो सेल हैं वो पिघल नहीं पाएंगी, और अगर पिघलेंगी नहीं तो वो दबाव के कारण बाहर नहीं आएंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक मोटा मोटी हम इनके कारणों को जानने की कोशिश कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले हम पदार्थों की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे पदार्थ इसमें निकलते हैं, हम एक एक करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं तो प्रथम अवस्था में जो है गैस और जल वाष्प निकलती है, और दूसरी अवस्था में इसमें फ्रेगमेंटल मटेरियल्स निकलते हैं जिसे विखंडित पदार्थ के रूप में हम कह सकते हैं, और तीसरी अवस्था में इसमें लावा निकलता है। तो अगर हम बात करें तो पहला जो है हमारा गैस है, और इसमें गैस या फिर जो गैस गैस हैं और जल वाष्प है, पानी H2O ये निकलता है बाहर, और इसके बाद इसमें से फ्रेगमेंटल मटेरियल्स निकलते हैं जो विखंडित टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़े निकल सकते हैं इस टाइप्स के। तो ये जो टुकड़े हैं ये फ्रेगमेंटल मटेरियल्स है, उसके बाद इसमें लावा निकलता है जो बाहर तरल अवस्था में होता है, और ये बहता चला जाता है आगे। तो इस प्रकार का तीन पार्ट्स इसमें हम बांट सकते हैं। अगर हम वाष्प की बात करते हैं या गैसों की बात करते हैं, तो गैस में इसमें अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें जल वाष्प तो है ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 के रूप में देखते हैं, CO2, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, SO2 जिसे हम कहते हैं, और इसके साथ ही इसमें और भी इस प्रकार की गैसें कई बार निकलती हैं। तो इन गैसों के साथ में बारीक धूल के कण निकलते हैं, और ये एक तरीके का गुब्बार बना देते हैं धूल का। इसके साथ जो टुकड़े हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उन्हें हम बम के रूप में जानते हैं। बम ये काफ़ी बड़े होते हैं, और इनका व्यास जो है कुछ इंच से लेकर फिट तक हो सकता है, और ये जब निकलते हैं तो बहुत आवाज़ के साथ निकलते हैं। और आगे जो है कुछ मटर के दाने के या फिर अखरोट के आकार के निकलते हैं, जिन्हें हम लेपिली के रूप में जानते हैं। लेपिली, ये कई बार नाम पूछे गए हैं पेपर में, आप इसे तैयार कर सकते हैं। लेपली के साथ धूल या बहुत बारीक कण आते हैं, और इसके बाद इसमें लावा निकल कर आता है, लावा। तो इस प्रकार से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो इसमें हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे होंगे, और उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मेंटल है ये ऊपरी मेंटल है, इस ऊपरी मेंटल में एक चैम्बर्स है, इसे हम लावा चैम्बर्स के रूप में या मैग्मा कॉस्ट के रूप में जानते हैं,
और ये हमारे जो येलो कलर में, ये एक भूपर्पटी है जिसे क्रस्ट के रूप में हम जानते हैं। ये विभिन्न समय पर होने वाली जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है उसके कारण एक कोन बन पाया है, शंकु बना है, और इस शंकु में एक वेंट है, ये बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये वेंट का हिस्सा आप देख रहे होंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक वेंट कहते हैं, निकासी ट्यूब कहते हैं। और इस तरीके से लावा जब ऊपर जाता है तो यहाँ इस टाइप से करके ये एक लावे के रूप में आता है, इसलिए इसे लावा कह रहे हैं। और ये अलग अलग समय पर आप देख रहे होंगे इसमें ये डिज़ाइन बने हुए हैं जो अलग अलग समय पर लावा के बहने की दशा को बताते हैं। आगे दोस्तों, इसके ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक तरीके का क्रेटर, इस टाइप से गड्ढा बन जाता है जिसे हम क्रेटर कहते हैं, और ये गैस और राख इससे निस्सृत हो रही हैं। तो जो ज्वालामुखी है उससे संबंधित ये अंग है। आगे हम बात करते हैं ज्वालामुखी का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है वो बहुत सिंपल है, और इसमें हम देखेंगे तो उद्गार की अवधि के आधार पर, अर्थात ज्वालामुखी जो हैं अलग अलग समय पर इसमें से जो इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन, वो निकलता रहता है। तो हमारा पहला जो प्रकार है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज, तो फर्स्ट जो प्रकार है वो अकॉर्डिंग टू इरप्शन है, इरप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखेंगे जिस ज्वालामुखी से लगातार लावा इरप्ट होता है वो एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है, ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है। और जो कभी कभी समय समय पर निकालता है वो हमारा एक सुसुप्त कहलाता है, और जो बहुत समय से शांत है जिसमें कोई जो विस्फोट है वो नहीं हो पाया है उसे हम शांत कहते हैं। अब ये देखते हैं कि जो निकलने वाला लावा है वो किस रूप का है, तो इसके आधार पर इसे हम एक सेंट्रल के रूप में और फिर दरार क्रैक के रूप में हम इसे बांट लेते हैं। अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो ये हवाई आइलैंड्स है, हवाई तुल्य उसके नाम पर रखा गया, स्ट्रामबोली मेडिटेरेनियन सी में इटली के पास पाया जाने वाला, या इटली कंट्री में एक आइलैंड्स है मेडिटेरेनियन सी का, तो उसमें स्ट्रामबोली है, वल्केनो तुल्य है, और पिलियन, ये भी इटली में पाए जाने वाली एक पिलियन ज्वालामुखी है जो सबसे अधिक विनाशकारी होता है। और इनका जो संबंध है आप लोगों को याद हो तो जो मार्टिनी की द्वीप था एक 1902 में, वो पश्चिमी द्वीप समूह में जो पाया जाता है उसी में ये बहुत अधिक विस्फोट हुआ, और फिर बाद में क्राकोटाओ और इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पिलियन तुल्य से संबंधित हैं। ऐसी विसुवियस भी इसमें हम जोड़ सकते हैं कि ये विसुवियस तुल्य, विसुवियस जो है एक तरीके का विसुवियस वॉल्केनो का नाम है, स्ट्रामबोली तुल्य। तो ये अलग अलग जो जगह पर पाए जाने वाले हमारे वॉल्केनो हों उनके आधार पर भी जो है हम इसको बांट सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम एक फिगर के रूप में देखेंगे। जो ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं वो जनरली हम तीन प्रकार से ले रहे हैं जो उद्गार से संबंधित है, उनके समय से संबंधित है। तो पहला एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो के अंतर्गत ये रखा जाता है जिनसे लगातार उद्गार होता रहता है, यानी कि उनसे हमेशा एक लावा निकलता रहता है, उसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। और विश्व में इस प्रकार के ज्वालामुखी 500 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब कभी कभार इससे उद्गार निकलता है। और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो अब मृत प्राय है, डेड इसे हम कहते हैं, डेड वॉल्केनो, तो डेड वॉल्केनो मतलब अब इसमें नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे वॉल्केनो के रूप में नहीं मानेंगे, इसमें भी कभी कभी अचानक से विस्फोट हो सकता है, लेकिन उसके विस्फोट की जो दशाएं हैं वो कब होंगी, 1000 साल, 2000 साल या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के जो वॉल्केनो होते हैं वो हमारे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। आगे चलते हैं, ये तीनों प्रकार के ज्वालामुखी के बारे में हम एक फिगर है जिसमें एक्टिव मैग्मा चैम्बर्स दिया गया है, और इसके अंदर से ये बाहर जो लावा है वो निकल रहा है। तो यहाँ एक्टिव वॉल्केनो है ये, और इसके बाद जो कभी कभार निकलता है या इसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, पीरियड्स होता है, उसी में से ये इसमें विस्फोट होता है।
तो ये जो है मैग्मा चैम्बर स्लोवली फिलिंग्स है और इसके बाद इनएक्टिव चैम्बर्स है, इसके अंदर जो है अभी लावा ख़त्म हो चुका है और वो कभी भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से तीन जो है बेसिकली हमारे उद्गार के समय को लेकर के जो ज्वालामुखी का वर्गीकरण वो है। अब आगे देखेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज्वालामुखी का विश्व वितरण किस किस रूप में पाया जाता है। तो जनरली ज्वालामुखी जो है वो तीन भागों में देखने को मिलते हैं। परिप्रशांत पेटी, अगर हम सबसे पहले की बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट से लिया गया है। इसे हम विनाशी प्लेट किनारा का ज्वालामुखी के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो है वो हमारा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, या फिर हम इसे ये कहेंगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, या फिर महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला। दूसरा जो है हमारा मध्य महासागरीय कटक के रूप में है, जिसे मिड ओशेनिक रिज के रूप में जानते हैं। तो ये मिड ओशेनिक रिज है और इसमें ये तीन हमारे ज्वालामुखी जो हैं धरती पर पाए जाते हैं। अब इनकी लोकेशन को अगर हम देखते हैं तो एक नए फिगर में देख सकते हैं दोस्तों। ये जो है एक आपके सामने फिगर है और इसमें देखेंगे ये कॉन्टिनेंट है और या फिर हमारा ये अटलांटिक ओशियन और ये वाला, इसमें कलर चेंज करते हैं, आप इसे देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन और ये इंडियन ओशियन। तो तीन ओशियन इसमें हैं और इसका अगर हम पहली वो देखते हैं तो ये मिड ओशियनिक रेंज है, ये मिड ओशियनिक रिज है ये। तो आप इसे और देख सकते हैं सही से, ये वाला जो है ये मिड ओशियनिक रिज है जो एस के आकार की है। ये रिंग ऑफ फायर है, ये रिंग ऑफ फायर है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। यहाँ पर ये भी एक मिड ओशियनिक रिज है जो इंडियन ओशियन में पाई जाती है। और कुछ ये छोटी छोटी जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो दिखाई गई हैं, आप इनको भी लोकेट कर सकते हैं। तो हम अब एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो हमारा आता है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जो रिंग ऑफ फायर के रूप में दिख रही है। तो दोस्तों अगर आप इसे देखें तो जनरली हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला जो है जो प्लेट सीमाएं हैं हमारी, ये आप प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं, ये एक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। इस पैसिफिक प्लेट को अगर हम देखें तो इसके आसपास की एक्टिविटी जो है, या फिर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है हमारी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट अफ्रीकन प्लेट जिसे हम कह रहे हैं, या ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, इस टाइप से करके ये, तो ये जो भूकंप हैं वो प्लेट की सीमाओं से संबंधित हैं। और इस प्रकार से 15% जो ज्वालामुखी हैं वो इन्हीं प्लेटों के पास पाए जाते हैं और ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स के रूप में हैं। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव का मतलब है जहाँ पर नई जो प्लेट्स हैं या फिर हम ये कहें जो नई क्रस्ट है वो बन पा रही है, और ऐसा तब संभव होगा जब प्लेटें दूर दूर हों, एक दूसरे से दूर दूर खिसक रही हों। तो इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं वहाँ पर 15% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लेकिन अगर जो प्लेट हैं वो विपरीत दिशाओं में ना जा कर के एक दूसरे के आमने सामने टकरा रही हैं, जहाँ पर फोल्ड पड़ते हैं, तो वहाँ पर जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वहाँ पर लगभग 80% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स कहलाती हैं। तो इसी आधार पर हम इनका वर्णन कर सकते हैं। तो पहला जो है जो पैसिफिक महासागर वाली जो हमारी जो रिंग ऑफ फायर के रूप में है, इसमें लगभग 2/3 जो वॉलकैनो हो वो पाए जाते हैं और ये प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों पर आइलैंड आर्क के रूप में मिलते हैं। इस प्रकार का जो ये आर्क है, ये चारों तरफ का एक सर्किल बना हुआ है, इसको प्रशांत महासागर का ज्वाला व्रत या फिर रिंग ऑफ फायर के रूप में हम इसे जानते हैं। और यह पेटी जो है वो अंटार्कटिका के से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे एंडीज पर्वतमाला का से होती हुई जो है उत्तरी अमेरिका के राकीज जो पर्वत है
वहाँ से होती हुई और पश्चिम भाग में अलास्का तक पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से इसका वो देख रहे होंगे आप, ये अलास्का वाला हिस्सा है इधर, और ये इस टाइप से ये रॉकी और ये एंडीज पर्वत है, और यहाँ से इस टाइप से होती हुई ये यहाँ पहुँच जा रही है। तो दोस्तों ये एक बड़ी रिज है और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि प्लेटें जो हैं यहाँ आमने सामने टकरा रही हैं या फोल्ड्स पड़ रहा है, तो कहीं पर इसमें फोल्ड्स हो रहे होंगे और कहीं पर ये कंस्ट्रक्शन। अगर यहाँ देखते हैं तो ये दो प्लेटें आमने सामने टकरा रही हैं, ये दो प्लेट, लेकिन यहाँ ये दूर हट रही है, ये प्लेट्स इधर इधर की तरफ और ये इधर, तो इससे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेटें यहाँ पर नए द्वीप बन रहे हैं, यहाँ पर फोल्ड्स हैं, वलय पड़ रहे हैं, फोल्ड्स, ये वाला क्षेत्र पूरा। तो इस टाइप से आप इसे देख सकते हैं। तो तीन प्रकार की जो हैं वो हमारी रिज हैं, एक ये रिंग ऑफ फायर के रूप में जिसे पैसिफिक प्लेट के रूप में हम जान रहे हैं, दूसरा मध्य महाद्वीपीय मेखला है और ये है महाद्वीप से संबंधित है, इसके अंदर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन और इंडियन प्लेट आ रही हैं, और इसमें आइसलैंड से ये लगभग यहाँ से शुरुआत हो जाती है इसकी इधर से, और इससे होते हुए आप यहाँ आइसलैंड को देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से इस टाइप से करके यहाँ चली जाती है। तो ये हमारी क्या है, मध्य महाद्वीपीय मेखला है जो हिमालय से होती हुई और यहाँ तक ये आ जाती है, ये वाली प्लेट यहाँ आप ये देखें एक मिनट, इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये सब यहाँ तक का क्षेत्र है। तो ये आइसलैंड से होती हुई इधर हिमालय से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। दोस्तों आगे चलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट टेक्टोनिक्स। तो इससे निर्मित जो चीज़ें हैं वो कैसे हैं, यहाँ दो प्लेटें, सागर का नितल है, सी फ्लोर, कॉन्टिनेंट्स हैं ऊपर, और एक मिनट अब देखेंगे, इसमें यहाँ ट्रेंच बढ़ रहे हैं जैसे फिलिपाइंस है हमारा, तो यहाँ महाद्वीपीय क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट, और ये ओशियनिक प्लेट जैसे पैसिफिक की है तो वहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो यहाँ ट्रेंच बन जा रहे हैं, इन ट्रेंच की जगह पर फिलिपींस बना और फिर यहाँ पर एक जो गॉर्ज है वहाँ वो बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैरियाना ट्रेंच है वो बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर महासी जो मिड रेंज है वो इस तरीके से बन रही है, और ये सी फ्लोर्स हैं जो इधर उधर फैल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो अगली बार हम बात करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित जो आकृतियां हैं और उनका जो मैपों में अलग अलग देशों के नाम से जो वितरण है वो किस प्रकार का है, तो इन पर चर्चा रहेगी दोस्तों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा रहेगी। इससे साथ ही साथ इससे निर्मित जो आकृतियां हैं जैसे सिंडर शंकु क्या होता है या एस कोन किसे कहते हैं, इसी तरीके से हम बात करेंगे लावा डोम की कि लावा डोम क्या होता है, और इसके बाद हम कालडेरा की बात करेंगे, क्रेटर की बात करेंगे। तो नई क्लास से आप ज़रूर देखें, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसे जो स्थल हैं जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, वहां पर गीज़र या फिर रॉल्स जिसे धुआरे के रूप में हम जानते हैं जैसे सॉल्फ तारा या फिर नोजल टाइप ऑफ गीज़र्स जो होते हैं, उस टाइप की आकृतियों की हम बात करेंगे। तो अगली क्लास में ज़रूर आप जुड़े रहें, और तब तक के लिए